तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जय दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि रूस से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। रूस ने सस्ता कच्चा तेल भारत को देने से किया इनकार, भारत की 8 कंपनियों पर लगाया बैन, मोदी अमित शाह को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक हाईकोर्ट से मोदी सरकार को लग सकता है बड़ा झटका। कर्नाटक हाईकोर्ट के हिजाब पर बैन लगाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची मुस्लिम महिलाएं, बैन हटाने की है मांग, भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने बीजेपी और मीडिया के खिलाफ लगाया अपने खिलाफ झूठ फैलाने का आरोप, कहा इनके खिलाफ करूंगा केस दर्ज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए अमरीका करेगा ताकत का इस्तेमाल, बाइडेन ने किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि संसद के मानसूनी सत्र में कांग्रेस उठाएगी महंगाई, अग्निपथ योजना जैसे मुद्दे, सोनिया के साथ बैठक के बाद फैसला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत से पहले नेपाल में नागरिकता संशोधन कानून हुआ लागू, मोदी सरकार पर पड़ेगा बड़ा असर। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रूस से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। रूस ने भारत को सस्ता तेल देने से किया इनकार। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि रूस से आज मोदी सरकार को कच्चे तेल को लेकर बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि रूस ने भारत को अब सस्ता तेल देने से इनकार कर दिया है और भारत की 8 कंपनियों पर बैन भी लगा दिया है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन जंग के बीच रूस पर कई प्रतिबंध जो है अमेरिका ने लगाए थे, जिसमें कच्चा तेल खरीदने पर ही प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन आपको बता दें कि अमेरिका के प्रतिबंध के बावजूद भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदा था और फिर अमेरिका ने भारत पर भी प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। लेकिन आपको बता दें कि जब तक रूस और यूक्रेन का युद्ध जारी रहा तब तक रूस भारत को सस्ता तेल देता रहा। जैसे ही रूस और यूक्रेन का युद्ध ठंडा हुआ तो अब रूस ने भारत को सस्ता तेल देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं और अब मोदी सरकार ने सस्ता तेल खरीदने के लिए ईरान से संपर्क किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नेपाल में लागू हुआ नागरिकता संशोधन कानून। जो दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल की संसद में पहला नागरिकता संशोधन विधेयक पास हो गया है। इस बिल पर पिछले 2 साल से चर्चा नेपाल में चल रही थी। नेपाल की कई राजनीतिक पार्टियां इस बिल पर सहमत नहीं थी। हालांकि राजनीतिक गतिरोध के बाद भी नेपाल की संसद में बिल पास करा दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि जब मोदी सरकार नागरिकता संशोधन कानून लेकर आई थी तो पूरे देश में इसके खिलाफ व्यापक प्रदर्शन हुआ था और ये प्रदर्शन सालों तक चला था, जिसके बाद कोरोना वायरस आ गया और मोदी सरकार ने फिर इस बिल को लागू नहीं किया था। लेकिन अब मोदी सरकार भी लागू करने के लिए तैयारी में है। लेकिन आपको बता दें कि भारत से पहले नेपाल ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास करके संसद में जो है तैयार कर दिया और ये अब देश में लागू भी हो जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों आपकी कराए, भारत में ये कानून लागू होना चाहिए नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा मेरे खिलाफ बीजेपी और मीडिया फैला रही है झूठी खबरें। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने पाकिस्तानी पत्रकार के मिलने के दावे और बीजेपी द्वारा किए जा रहे हमले का जवाब दिया है। हामिद अंसारी ने कहा कि उनके खिलाफ मीडिया के एक तबके और भाजपा के एक प्रवक्ता द्वारा एक के बाद एक झूठ फैलाया जा रहा है। उन्होंने एक बयान जारी कर भाजपा द्वारा रा के एक पूर्व अधिकारी की टिप्पणी के हवाले से लगाए गए इन आरोपों को भी खारिज किया है। उन्होंने ईरान में भारत के राजदूत के रूप में राष्ट्रीय हितों से समझौता किया था। भैया आपको बता दें कि उन्होंने साफ कहा है कि जो भी बीजेपी आरोप लगा रही कि पाकिस्तान के साथ मिलकर इन्होंने देश की जासूसी कराई थी, उन्होंने कहा कि मैंने भारत की कोई भी जासूसी नहीं कराई थी और जो भी लोग मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो झूठे आरोप लगा रहे हैं और मुझे बदनाम कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए अमरीका करेगा ताकत का इस्तेमाल, बाइडेन ने किया ऐलान। जदू साहब को दादे कि अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा है कि वह ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोकने के लिए अंतिम उपाय के रूप में ताकत का प्रयोग करेंगे। बता दें कि उन्होंने हाल ही में मध्य पूर्व की यात्रा शुरू की। बाइडन ने कहा कि वह ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड को अमरीकी विदेश आतंकवाद संगठनों की सूची में रखेंगे, चाहे इसकी बजाय 2015 की ईरान न्यूक्लियर डील खत्म क्यों ना हो। तो बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अमरीका ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने दे रहा, जबकि इजराइल सहित दुनिया भर के देश परमाणु हथियार बना रहे हैं, लेकिन मुस्लिम देश होने की वजह से इस पर लगातार रोक अमेरिका लगा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मानसूनी सत्र में कांग्रेस उठाएगी महंगाई, अग्निपथ योजना जैसे मुद्दे, सोनिया गांधी के साथ बैठक के बाद लिया गया है फैसला।
जदयू साहब को दादी की संसद के मानसूनी सत्र में केंद्र सरकार के खिलाफ रणनीति तय करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर आज एक बैठक हुई है। बैठक के बाद कांग्रेस के सीनियर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मानसूनी सत्र में केंद्र सरकार को घेरने के लिए कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि आज सोनिया गांधी के आवास पर सांसदों की रणनीतिक समूह की बैठक थी। हर मसले पर चर्चा की गई। बैठक के बाद तय किया गया है कि अलग अलग मुद्दों से जुड़े विषय को सदन में उठाया जाएगा। खड़गे ने कहा कि LPG के बढ़ते दाम और महंगाई, अग्निपथ योजना, बेरोजगारी का विषय उठाएंगे, साथ ही संघीय ढांचे पर हमले के मामले को भी कांग्रेसी संसद दोनों सदनों में उठाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप। कहा, मुस्लिम बहुल होकर भी पाकिस्तान के साथ नहीं गए कश्मीरी, आज कश्मीरियों के घरों में घुसकर पीटा जा रहा है। जदयू साहब को बता दें कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने अमरनाथ यात्रा और हर घर तिरंगा लगाए जाने के मामले को लेकर भाजपा पर कई सवाल उठाए हैं। महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को कहा कि अमरनाथ यात्रा हिंदू मुस्लिम भाईचारे की निशानी होती थी, लेकिन भाजपा ने इसका राजनीतिकरण कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने हिंदुस्तान के साथ बराबरी के रिश्ते से रहे, दूसरी रियासतों की तरह ही हम एक मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट हैं, हमने मुसलमान होने के बावजूद भी पाकिस्तान के साथ जाने से इनकार कर दिया। मुफ्ती ने कहा है कि हमने हिंदुस्तान की जमहूरियत के साथ हाथ मिलाया, यहाँ के सेकुलरिज्म के साथ हाथ मिलाया, तभी हमने उस मुल्क का झंडा कबूल किया और उसके साथ अपना झंडा मिलाया और दोनों को हम सलाम करते रहे। भाजपा पर निशाना साधते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि भाजपा आज घर में घुसकर हमारे घरों में झंडे लगाती है। अरे झंडे लगाने या घुस के मारने वाली क्या बात है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है इसी बीच पर। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कन्हैया लाल की हत्या के बाद निपुण शर्मा का समर्थन करने पर ABBP के नेता को धमकी। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में भी कन्हैया लाल हत्याकांड जैसी घटना को अंजाम दिए जाने की धमकी देने का मामला सामने आया है। यहां ABBP के नेता को जान से मारने की धमकी मिली है। इस संबंध में एक पत्र भेजा गया है। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पत्र में गजवाए हिंद नाम के इस्लामिक संगठन का जिक्र है। आरोपी की तलाश की जा रही है। मामला बिहार के भागलपुर जिले का है। यहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भागलपुर और बांका विभाग से संयोजक कुणाल पांडे को जान से मारने की धमकी मिली है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने उदयपुर में कन्हैया लाल हत्याकांड का विरोध किया था और ज्ञानव्यापी मामले में टिप्पणी की थी। कुणाल को एक पत्र भेजा गया है। इस पत्र में लिखा है कि जिस तरीके से उदयपुर में कन्हैया लाल की मौत हुई थी, उसी तरीके से तुम्हें भी अल्लाह के पास पहुंचा दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है इसी बीच पर। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिजाब पहनने को लेकर कर्नाटक में लग सकता है BJP को बड़ा झटका। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसला, मुसलमान महिलाओं को नहीं मंजूर, अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए पहुंची। जय दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह सुनवाई कर सकता है। शीर्ष अदालत में मार्च में याचिका दाखिल करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध को हटाने से साफ इनकार कर दिया था और हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया था और कहा था कि अगर मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनना है तो वो अपने घरों में पहने। लेकिन आपको बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला मुस्लिम महिलाओं को मंजूर नहीं है और मुस्लिम लड़कियां और महिलाएं अब हिजाब पहनने को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की है और कहा है कि जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया था उस पर रोक लगाई जाए और मुस्लिम महिलाओं को स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए क्योंकि ये उनका अधिकार है। अब देखते हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला इस पर सुनाता है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सपा विधायक ने CM योगी को दी नसीहत। कहा, हर समस्या के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराना बंद करे सरकार। जदयू साहब को दादी के उत्तर प्रदेश के संभल जिले के कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक जियाउर रहमान बर्क ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सरकार के जनसंख्या वाले कानून के खिलाफ विरोध जाहिर किया। उन्होंने योगी सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाने के लिए पहले प्रस्ताव तैयार कर जरूरी प्रक्रिया पूरी करें। उन्होंने कहा, किसी भी समस्या के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराना बंद करे सरकार। रहमान वर्क ने कहा कि BJP सरकार प्रदेश में शिक्षा, रोजगार, महंगाई, कानून व्यवस्था सभी मुद्दों पर पूरी तरह से फेल है। BJP सरकार के नेता इन मुद्दों से जनता को भटकाने के लिए पार्टी की रणनीति के तहत अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों इसी बीच पर। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कनाडा में तोड़ी गई महात्मा गांधी की मूर्ति, भारतीय दूतावास ने जताई नाराजगी, पुलिस ने कहा लेंगे सख्त एक्शन। जब दोस्तों आपको बता दें कि कनाडा की राजधानी टोरंटो में गांधी की प्रतिमा तोड़े जाने का मामला प्रकाश में आया है। पूरा मामला टोरंटो के रिचमंड हिल स्थित एक मंदिर की है। यहां गांधी की एक बड़ी प्रतिमा स्थापित है, इसी प्रतिमा को तोड़ा गया है। इस बाबत मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। पुलिस इस घटना की जाँच कर रही है। आपको बता दें कि यह मामला कल दोपहर करीब 12:30 बजे का है। गांधी की प्रतिमा तोड़े जाने के मामले में टोरंटो स्थित भारत के
जो है दूतावास ने ट्वीट कर इस बाबत जानकारी दी। ट्वीट में दूतावास ने लिखा कि हम रिचमंड हिल स्थित बिस्टू मंदिर में महात्मा गांधी की प्रतिमा को तोड़े जाने से व्यथित हैं। बर्बरता के इस आपराधिक घृणित कृत्य ने कनाडा के भारतीय समुदाय की भावना को गहरा ठेस पहुँचाया है और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो देखते हैं दोस्तों क्या कार्रवाई इसमें होती है। कि इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे, अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अकलमंदे जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता।